मिलते रहते, लेकिन हाँ ये कह रहा हूँ कि उनकी बोल हिंदी में बोलो, मेरे को तो समझ नहीं। देखो भोजपुरी में ही बात करेंगे। फिल्म में क्या पसंद आया आपको ये बताए? राम लखन जो दिखाते हैं उनका, जैसे निरहू लाल यादव वही ना टड़वा गाजीपुर भोज क्या बोलते हैं पसेवा के रहने वाले, हाँ वो बहुत अच्छे आदमी हैं। उनकी पिक्चर इस वक्त भोजपुरी में हिंदुस्तान में उन्हीं का ही डंका बज रहा है। हाँ ये भी देखना है, भगवान करे ये भी अच्छी निकले। बस ये दोनों एक्टर का जो किरदार है, दोनों एक्टर हमें सबसे एक्टर वही आज का अगर कोई देखा जाए तो निरहुआ से नीचे है, भले उनका भाई भी हो। वो तो मैं बोल रहा हूँ हमारे वीनस है बगल में, चलने दो, हमारे बगल में वीनस है, ये लोग मैच भी खेलने आते हैं। बहुत अच्छा उनका वो है कनेक्शन, जिससे कोई भी आएगा उससे हाथ मिलाते हैं। अच्छा तो आपने इनकी पहली भी फिल्म देखी है? अरे उनकी बहुत सी पिक्चर देखी है। तो क्या पसंद आता है? क्या पसंद आती है सबको? अरे क्या क्या उनका सब कुछ पसंद है, लटके झटके चट्टी में पटके सब। डायलॉग कुछ बोल डाले क्या भोजपुरी आदा में? भोजपुरी पकड़ के तौलोगे? जैसे कह रहे हैं भोजपुरी में जो बोलता है बहुत सही बोलता है, जो बोलेगा वो एक नंबर का रियलिटी बोलता है, इसी का मतलब यही है। थैंक यू। पसंद आता है इस राम लखन फिल्म आपने जो देखी है, क्या पसंद आया आपको इसके बारे में? भोजपुरी में बोलिए चले गए, मतलब कहानी में क्या? कहानी बहुत अच्छी है। हाँ कहानी भी अच्छी, बहुत अच्छी है कहानी। तो आपने इनकी फिल्म पहले भी देखी है? जो दो एक्टर है इनकी फिल्म आपने पहले भी देखी है? क्या पसंद आता था एक्टर में उनका किरदार? डांस आता है या डायलॉग रोमांस करते हुए क्या पसंद आता है? डायलॉग अच्छा था। कुछ डायलॉग बताना चाहेंगे जो आपने पहली जो फिल्म देखी? याद नहीं है। हाँ पाँच में से कितना स्टार देना चाहिए ये फिल्म को आप? 90% 5 में 3। थैंक यू। आप सर इधर देखिए आप। हाँ सर क्या पसंद आया इस फिल्म में? फिल्म के बारे में कुछ बताइए। सिर्फ ये फिल्म तो है जो आपकी मर्जी, जो आपको बोलते हैं फिर से स्टार्ट देखने के लिए हर आदमी फिर अभी आप बोलिए हमारे शांति। सर फिल्म में क्या पसंद आया आपको? सर ये फिल्म जो है ना मूवी है राम लखन, जिसका सरने में टाइटल है राम लखन, सबसे ये फैमिली मूवी है। दर्शकों को बहुत अच्छी लगी थी, जो कि परवेश लाल यादव भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनकी काफ़ी फिल्में आ चुकी हैं और सब फिल्में सुपर सुपर हिट हुई हैं। और दिनेश जी तो काफ़ी बेमिसाल रहे हैं भोजपुरी के लिए। और क्या पसंद आता है जब आप ये फिल्म देखते हैं? हम अब आप अभी आए हैं या पहले उनकी जो फिल्में थी, तो क्या पसंद आता है? उनकी एक्टिंग आती है, डायलॉग बोलना या रोमांस करते हुए पढ़ने में क्या पसंद आता है? सर उनका डायलॉग एक्शन सब पसंद है, पब्लिक को काफ़ी खींच लिए हैं। कुछ डायलॉग आपको बताना चाहिए आपको जो आपने पहला कोई फिल्म में या ये फिल्म में किए, कोई डायलॉग हो भोजपुरी अदा में आपके? भोजपुरी अदा में सर इनका तो मुझे दिनेश लाल यादव का एक फिल्म आई थी इनकी लोकपाल, जिसमें इनका एक डायलॉग था फुटपाथ पे मार के सुनते पबुआ बेटा हमारे नाम नहीं रहा। और ये फिल्म को कितने में से 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? सर मैं 5 में से 5 देता हूँ। थैंक यू। शुक्रवार का दिन है और भोजपुरी फिल्म राम लखन रिलीज हो चुकी है, पर शो भी ख़त्म हो चुका है। दर्शकों ने ये फिल्म बहुत सराही है। देखना होगा कि अगले 2 दिनों में ये बॉक्स ऑफिस में कितना कमा पाती है। दर्शकों को ये फिल्म चाहे वो सॉन्ग हो या जो गाने हो या डायलॉग सभी सराया है। तमाम दर्शकों ने 5 में से 4 स्टार दिए। देखना होगा ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कितना धमाल मचाती है। कैमरा पर्सन पांडे के साथ खुशलाल कुलियाल, भोजपुरी अड्डा।